भाई साहब अभी मैं स्पीति गया नहीं हूँ और स्पीति का एक्सपीरियंस मेरे को अभी करने पड़ रहे हैं, मतलब ऑफ रोड। अरे नहीं 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 नहीं, हो गया स्लो, हो गया स्लो, हो गया स्लो, हो गया। गुड, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड। एज यू कैन हैव अ लुक, ऐसा कुछ ड्रेस्ड अप हूँ अभी। ओह हो, ऐसी आइटम है। तो क्या हाल है भाइयों के, ऐसे गाइस वेलकम बैक टू चैनल, आई होप यू डूइंग वेल। अरे भैया जी, ओवरटेक नहीं करने का, थोड़ी सी जगह दे देते। आई डोंट नो कौन सी गाड़ी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया तो बढ़िया रहता, बट भाई शायद बाहर के लग रहे थे मेरे को, दैट्स वाई उन्होंने साइड नहीं दी। तो अभी अभी यहाँ पे बारिश हुई थी और अभी बिल्कुल साफ है, बट रिस्क नहीं लेना है। तो रिस्क से बचने के लिए अभी मैंने रेनकोट पहना ही हुआ है। इसमें भी स्पीति से रिलेटेड मेरे को एक मॉड करवाना है, एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी ने ही आज तक देखा। वैसे देखा तो है, मैंने खुद किसी का देखा है मतलब, बट साउथ वाली साइड था और मेरे को मिलता नहीं था ये वाला जो मैं अभी इंस्टॉल करवाने वाला हूँ। और वैसे थंबनेल में आपने देख ही लिया है, सैडल स्टे इंस्टॉल करवा रहा हूँ मैं, इतना सरप्राइज़ भी क्यों बना रहा हूँ मैं। तो हाँ यार, मतलब मेरा एक सपना ही था कि सैडल स्टे हो R15 में भी, तो बढ़िया हो सैडल स्टे हो। मैं बाकियों को देखता था ना, लाइक लुक्स वाइज भी फिर जो बाइक का लुक है वो इन्हांस हो जाता है, और जो सामान हमको कैरी करना होता है वो भी मतलब ज़्यादा एफिशिएंटली हम कैरी कर सकते हैं। तो स्पेशली मैंने हेलमेट गैलरी वालों से मंगवाई थी ये वाली सैडल स्टे। अरे कुत्ता जी, क्या कर रहे हैं आप? तो सुबह मेरे को भाई का मैसेज आते हैं कि भाई सामान आ गया आपका। तो आई वाज लाइक, कौन सा सामान? बोलते वो वाला सामान वाला, अच्छा वो। तो बस वही, अब जा रहा हूँ मैं, देखता हूँ। वैसे मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी होती है कि क्या होता है, तो जाके देखता हूँ और देखते हैं उसकी इंस्टॉलेशन कैसी होती है, बिकॉज अभी तक मेरे को पता ही नहीं है कि भाई इंस्टॉल होता कैसे इस पर। बाय द वे मेरे 3 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, 5 मोर टू गो, और जैसे जैसे मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वैसे वैसे मेरी ईगरनेस बढ़ती जा रही है कि भाई मेरे को राइड पे निकलना है, निकलना है, निकलना है। तो आई जस्ट होप यार जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए और ये राइड एग्जीक्यूट हो जाए, बिकॉज अभी मेरे से रुका नहीं जा रहा है। अभी पीछे क्या हुआ गाइस कि मेरे को एक आवाज़ आई है बड़ी अनोइंग सी, तो मेरे को लगा कि मेरी लाइट गिर गई या कुछ गिर गया है। आई डोंट थिंक कि कुछ गिरा, बट भाई साहब बहुत ज़्यादा भयंकर थी जो भी साउंड थी। लेट मी टेल यू गाइस दैट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू इंस्टॉल टॉप बॉक्स एंड नॉट इवन सैडल बैग्स, बिकॉज बात ऐसी है गाइस कि अभी मेरे को 2-3 छोटे छोटे काम और हैं। जो छोटे छोटे काम हैं उनका प्राइस कुछ ज़्यादा ही है, तो अभी तक इतना बजट नहीं। आई डोंट नो कि मेरा स्पीति में कितना ज़्यादा लग जाएगा, सो आई हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। मेरे को देखना पड़ेगा, पूरा मैनेज करना पड़ेगा कि कितना मेरा खर्चा होगा। तो अभी तक सिर्फ सैडल स्टैंड लगाऊंगा, टॉप बॉक्स और सैडल जो बैग्स होते हैं उनको स्पीति से आने के बाद मतलब धीरे धीरे लेंगे। इतना ज़्यादा तो मतलब आई कांट अफोर्ड टू इंस्टॉल एट वंस। तो बाकी सामान आगे देखते हैं, अभी मेरे को सर्विस करवानी है। सर्विस भी मतलब टॉप नॉच की होनी चाहिए कि कोई कमी ना हो। ऑल्सो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को वो चेन सेट मेरा रिप्लेस करवाना पड़ेगा, नया इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज अभी वाला घिस चुका है। अभी तक मैंने एक बार भी चेंज नहीं करवाया, 30,000 किलोमीटर्स हो गए हैं, तो दिक्कत दे सकते हैं। ये भी एक बार चेक करवाऊँगा इसको कि ज़रूरत है मेरे को इसको चेंज करने की या नहीं, बट मेरे को लगता है कि चेंज करना पड़ेगा यार। भाई साहब बहुत ज़्यादा बुरा हाल है बस स्टैंड का, मतलब सारा अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, तो सड़क में भी इन्होंने मतलब ये जो पत्थर होते हैं बजरी बोलते हैं जिसको, वो डाल के रखी हुई है, और अंदर बस स्टैंड पे भी। और ये देखो तुम, कूड़ा देखो कितना, भाई साहब बहुत बुरा हाल है। सो राइट नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स हेलमेट गैलरी, एंड ये स्कूटी वाले दो दो भैया क्या कर रहे हैं? सॉरी, एक दीदी है। भाई साहब मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, खास करके हमारी सड़कों पे तो बहुत ही ज़्यादा। पर चलो, अपनी डेस्टिनी आ गई है। कैसे हैं सर आप? अनमोल भाई, गंभीर भाई कैसे हो? यार मैंने तो सामान मंगवाया था कुछ, क्या सैडल स्टैंड। एज यू कैन हैव अ लुक,
ऐसा कुछ ड्रेस्ड अप हूँ मैं अभी। ओहो, ऐसी आइटम है। अच्छा है, हल्का ही वैसे यार। आओ जरा देखो कैसे लगे, लग के दिखेगा कैसा। बता भी तो थोड़ा सा, इंस्टॉल कैसे होगा कैमरे में? मेरे को नहीं, लो बताओ। ये आपका ये जो नट लगे हुए हैं इसमें, जोर से बोलो, जोर से। दो नट लगे हुए हैं इसमें, ये 10 नंबर के नट लगे हुए हैं इसमें लगेंगे, जो इसमें जो पत्तियाँ वो इसमें लगेंगी, बाकी जो इंस्टॉल होंगी। अच्छा, फिर जाके रोल लगेगा। चलो दिखाते हैं कैसे इंस्टॉल होगा। नट लगेगा इसमें ना, नट लगेगा। ये वाली जो चीज़ है इसकी, ये छोटी होगी। और फुटरेस्ट खोलने प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, छोटी रहेगी। बड़ी सी सेट बैठ जाएगा ना, एक यहाँ पे लग जाएगा और एक यहाँ पे लगेगा और बस फिक्स होगी, और कुछ भी नहीं है। चार नट लगेंगे। चलो ठीक है, ऐसी कुछ लुक आएगी। फिलहाल ऐसी दिख रही है और सुंदर ही दिख रही है, मतलब क्लीन है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती लगा रही इसको। By the way, it's day 2 guys and right now it's raining since morning। और भाई साहब मतलब continuously लगी हुई है, मैंने सोचा था कि रुकेगी फिर निकलूँगा, बट at last मेरे को ये वाला स्टेप लेना पड़ा कि मेरे को बारिश में ही निकलना है। अरे भैया जी आराम से चलिए, बारिश है। तो भाई साहब बार बार मेरे को अपना जो लेंस है वो साफ़ करना पड़ेगा, और अभी मैंने ग्लव्स भी नहीं डाले बिकॉज मेरे ग्लव्स वाटर प्रूफ नहीं है, और मेरे को फिर इरीटेशन होती है हाथों में। बाहर निकलने की 2 वजहें, एक तो ये है कि मेरे को आपको सैडल स्टे का मतलब ड्यूरेबिलिटी दिखाना था, और दिखाना था कि लुक कैसी आती है, बिकॉज कल क्या हुआ था कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा था उसके बाद GoPro की बैटरी एकदम से डेड हो गई, आई डोंट नो क्या दिक्कत हुई थी, बट इट स्टॉप्ड वर्किंग। तो फिर मेरे को टाइम नहीं लगा था, तो आज मेरे को ये वाली वीडियो कैसे भी करके बनानी है, बिकॉज उसके बाद मेरे कॉन्टीन्यूसली एग्ज़ाम्स है, मेरे को टाइम नहीं लगेगा वीडियो बनाने का। तो तुम्हारे लिए मेरे को ये वाला रिस्क लेना पड़ा है। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इफ़ आई एम प्लानिंग स्पीति तो थोड़ा सा मतलब प्रिपेयर होना चाहिए, हमको पता नहीं है ना बारिश उधर भी मिल सकती है, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन स्पीति वाली है। अरे भाई साहब टेक्नोलॉजी देखो तुम, मतलब बारिश में क्या होता है कि बाइक चलती नहीं है, पानी सारा शूज़ में आता है और अनकम्फर्टेबल फील होता है हमको। तो ये जो हमारे हीरो होंडा वाले भैया ये मतलब बेयर फुट चला रहे हैं, भाई साहब क्या टेक्नोलॉजी है। भाई साहब अभी मैं स्पीति गया नहीं हूँ और स्पीति के एक्सपीरियंस मेरे को अभी करने पड़ रहे हैं, मतलब ऑफ रोड और ऐसा मतलब वाटर क्रॉसिंग नॉट वाटर। भाई साहब यार बहुत ज़्यादा बुरा हाल है भाई, रास्ते का बहुत ही ज़्यादा बुरा। अरे भाई 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 भाई, भाई, भाई मेरे को लगा मैं गया, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को सच्ची में लगा कि मैं गिर गया बस, बट लकीली बच गया हूँ। और अब मेरे को ध्यान से चलाना है, आराम से चलाना, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, बारिश रुकने वाली है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जल्दी जाऊंगा बारिश रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मज़े से चलते हैं और तुम ऑफ रोडिंग के मज़े लो। तू दूर से ही हेलो, मैं गिल्ला हूँ, दूर से ही हेलो। वो कहाँ पे छोटा, वो बच्चा नहीं है आपने जो, वो कहाँ पे? ओ यार काम था मेरे को उससे, सडन स्टे में बिठाना था मैंने उसको। ओहो लकी भाई आप ही बैठो यार, वो वीडियो करप्ट हो गई है जो उसको बिठाया था ना। अच्छा। वो आपको टेस्ट करना है इस पर बिठा के, बैठ जाओ थोड़ी देर में बस, आ जाओ इधर लगा ले, लगा जाओ। थोड़ी ना साफ कर लेता हूँ इसको मैं, गंदी हुई कपड़ा मार। Thank you.
हाँ हाँ टेस्ट करना ड्यूरेबल है कि नहीं। उस दिन वैसे मैंने तो कर लिया था ना, पर वीडियो में नहीं हुआ। अब इससे मैंने ना आपका टॉप बॉक्स मंगवाना है, पर अभी नहीं, बाद में, पैसे नहीं, ख़त्म हो गए। कितना वेट होगा लक्की भाई आपका, कितना वेट होगा? 55। चलो टेस्ट करते हो, मैं देख लेता रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। आज हो रहा, हो रहा है। चलो हाँ बैठो, मैं पकड़ता हूँ। रुको रुको, मेरे को देखने देना, ठीक है? थोड़ा और पीछे बैठो, थोड़ा सा कूदो। ठीक है ठीक है, पूरा सस्पेंशन हिल रहे और ये नहीं हिल रहा। ठीक है, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और भाई कैसे हो? चलो थैंक यू। ठीक है, बस बस रहा, टूट ना जाए। ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, मेरे को लगा है, मतलब बिकॉज जब इसके ऊपर बैठे थे तो बेंड नहीं हो रहा है ये, सिर्फ जो शॉकर्स हैं बाइक के वही हिल रहे हैं, तो इससे मतलब हमको ये पता लगता है कि प्रॉपरली मतलब जॉइंट है ये। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं गाइस। बाकी टॉप बॉक्स और सैडल बैग्स भी मेरे को अभी लेने, बट मैं बाद में लूँगा उसको। स्पीति से आने के बाद बाकी एसेसरीज लेंगे। बाकी अभी तो बस सीधा घर को चलो, एक बार मैं घर पे आपको दिखा दूंगा कि दिखता कैसा। ओए होए होए होए, घर पे जाके दिखाता हूँ अभी कि दिखता कैसा। और बस फिर भाई मैं बिस्तर में घुस जाऊँगा और वीडियो को एंड कर देंगे। यार घर पे क्या बताना है, अभी बता देता हूँ तुमको कि दिख कैसी रही है ये। तो गाइस यू कैन हैव अ लुक, ऐसी कुछ लुक आ रही है बाइक की, ऐसी यू कैन हैव अ लुक, ऐसी लुक है। ठीक है, रेयर से ऐसा दिखता कुछ, भाई साहब इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और इस साइड से कुछ ऐसा दिखता है, और सामने से कुछ ऐसी दिखती है बाइक। थोड़ा सा मैं फंबल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ठंड लग रही है अब। और बढ़िया यार, बढ़िया 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 बढ़िया। तो ऐसी कुछ बाइक है, बढ़िया लग रहा है, टूरर R15। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं गाइस। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई है। तो पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और इंतज़ार करो भाई साहब स्पीति राइड का, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाली। जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए मैं निकल जाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि घर आ गया अब।